कैसे हैं आप? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था बेटा किसके बारे में, मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा कुलाम्स लॉ के बारे में। किसके बारे में बेटा? कुलाम्स लॉ के बारे में। कुलाम्स लॉ क्या है उसको आगे पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए पॉइंट चार्ज क्या होता है। तो पॉइंट चार्ज क्या होता है बेटा? जब मैं दो बॉडीज रखता हूँ पास पास में, ठीक है, नियर बाय दो बॉडीज रखता हूँ। मान लीजिए ये दो बॉडीज है मेरे पास, इन दो बॉडीज को मैं नियर बाय रखता हूँ, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट के लिए मैं, मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूँ यहाँ पे, और ये बॉडी यहाँ पे रखी है, थोड़ी और आगे डिस्टेंस पे रखी है, तो मेरी और इस बॉडी की जो डिस्टेंस है अगर ये क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तो ये बॉडी मुझे क्या दिखेगी बेटा? पॉइंट चार्ज की तरह दिखेगी। किसकी तरह दिखेगी? पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह दिखेगी, ठीक है। वैसे ही टू चार्जेस है उनके बीच की अगर डिस्टेंस क्या कर दी जाए, ज्यादा कर दी जाए, तो वो एज कम्पेयर किसकी तरह वर्क करेंगे? पॉइंट चार्ज की तरह वर्क करेंगे। तो पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन की मैं बात करूं तो डेफिनेशन क्या है बेटा? व्हेन डायमेंशंस ऑफ टू चार्ज बॉडीज, व्हेन डायमेंशन ऑफ टू चार्ज बॉडीज मैंने ले ली, कंसिडर कर ली, आर नेग्लिजेबल एज कम्पेयर टू डिस्टेंस बिटवीन देम, एज नेग्लिजेबल टू कम्पेयर नेग्लिजेबल एज कम्पेयर टू डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। उस चीज को आपने क्या मान लिया? नेग्लिजेबल के कंपेरिजन, नेग्लिजेबल कंसिडर कर लिया, तो उसे हम क्या बोलेंगे? वो हमें क्या देगा? एक पॉइंट चार्ज देगा। क्या देगा बेटा हमें? पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेवियर रखेगा अपना, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुलाम्स लॉ। तो कुलाम्स लॉ में हम बात ही किसकी करेंगे? दो पॉइंट चार्ज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? टू पॉइंट चार्ज की ही बात करेंगे। तो कुलाम्स लॉ क्या करते हैं, तो इस पे चलते हैं हम। कुलाम्स लॉ क्या है? देखो कुलाम्स लॉ क्या था तो उसके बारे में मैं बताता हूँ। कुलाम्स लॉ क्या था बेटा? दो चार्जेस मैंने रखे। कितने चार्जेस रखे बेटा? टू चार्जेस रखे, क्यू वन एंड क्यू टू। टू चार्जेस रखे मैंने, क्यू वन एंड क्यू टू। उनके बीच की डिस्टेंस मैंने रखी बेटा कितनी? एक चार्ज ये रख लिया और एक चार्ज ये रख लिया। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस रखी मैंने आर। कितनी रखी बेटा? आर डिस्टेंस रखी, ठीक है। अब इन दोनों चार्जेस के बीच में, अब दोनों चार्जेस कुछ भी हो सकते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो इसलिए कुलाम्स लॉ में हम जो फोर्स लगेगा वो कौन सा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। कौन सा फोर्स होगा बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में फर्स्ट चीज रिपल्शन भी होगा, अट्रैक्शन भी होगा, ठीक है। तो सॉरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हम किस किस की बात करेंगे? रिपल्शन एंड अट्रैक्शन फोर्स के बारे में। तो बेटा कुलाम्स लॉ ने क्या बोला कि दो चार्जेस लीजिए आप। कितने चार्जेस लीजिए? टू चार्जेस लीजिए, उनको एक डिस्टेंस पे रख दीजिए, कुछ डिस्टेंस पे रख दीजिए। जो डिस्टेंस मैंने यहाँ पे कंसीडर कर रखी है आर। कितनी कंसीडर कर रखी है बेटा? आर। और चार्ज क्या कंसीडर कर रखे मैंने? क्यू वन एंड क्यू टू कंसीडर कर रखे। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? इन चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल, ठीक है। मतलब प्रोपोर्शनल, ठीक है। कैसे? मतलब अकॉर्डिंग टू दिस लॉ तो क्या बोलेंगे हम? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है यहाँ पे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स भी हो सकता है दोनों के बीच में, ठीक है। रिपल्शन फोर्स भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स ही हो, यहाँ पे रिपल्शन फोर्स भी हो सकता है। तो क्या बोला गया? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन एनी टू स्टेशनरी चार्ज। ये चार्ज स्टेशनरी कंडीशन पे होने चाहिए आपके पास। कौन सी कंडीशन पे होने चाहिए? स्टेशनरी यानी रेस्ट कंडीशन पे होने चाहिए ये चार्ज, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक की जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन क्या थी? चार्ज एट रेस्ट। जब चार्ज किस कंडीशन पे हो? रेस्ट कंडीशन पे हो, उसे हम क्या बोलते थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते थे। तो हमारे पास कुलाम्स लॉ क्या हो गया? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन एनी टू स्टेशनरी चार्ज, दो स्टेशनरी चार्ज है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है या रिपल्शन लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस उसके क्या होगा? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दैट मीन्स एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू वन एंड क्यू टू के मैग्नीट्यूड। ये आपके पास क्यू वन हो गया एंड देन क्यू टू। इन दोनों का आप क्या ले लीजिए बेटा? मैग्नीट्यूड। और दोनों का क्या कर दीजिए? प्रोडक्ट कर दीजिए, तो वो उसके क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। सेकंड, इन दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस आप ले रहे हो, इन दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस आप कंसीडर कर रहे हैं वो क्या होगी बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी जो फोर्स लग
वो क्या होगा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के इनवर्सली क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, जो स्क्वायर ऑफ मतलब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली, यानी इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दैट मींस कि एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल वन अपॉन आर स्क्वायर। इसे आपने इक्वेशन फर्स्ट दे दी, इसे इक्वेशन आप दे दीजिए बेटा सेकंड। हमने स्टार्ट किया बेटा कि मैंने ये बोला कि जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है बेटा, कि द फोर्स एक्ट्स ओनली अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, यानी जो लाइन क्या कर रही है बेटा, जॉइनिंग कर रहा है दोनों बीच, दोनों चार्जेस के बीच में जो लाइन जॉइनिंग हो रही है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो क्या होगा, इस लाइन जॉइनिंग पे क्या होगा, हमेशा एक्ट करेगा। मतलब ये जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्सन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो आपके पास फोर्स लग रहा है वो इसी लाइन पे लगेगा। अदरवाइज ऐसे नहीं बोल सकते आप कि ये फोर्स इधर जाएगा या इधर जाएगा, ये जो फोर्स लगेगा Q1 और Q2 के बीच में ही अप्लाई होगा। क्लियर बेटा? तो ये हमारे पास हो गया कूलम्ब्स लॉ। अब देखिए बेटा मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट वो है कि F Q1 Q2 ये आ गया हमारे पास। इक्वेशन सेकंड क्या है बेटा, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल वन अपॉन आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, यहां आ जाएगा। क्लियर? तो दोनों इक्वेशंस को मैंने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। देन आफ्टर एफ इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए, यानी इसको रिमूव करने के लिए, यहां से एलिमिनेट करने के लिए मैंने एक कांस्टेंट यूज में लिया, जिसे मैंने क्या बोल दिया बेटा, के। क्या बोल दिया? के। तो क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हो गया, कूलम्ब्स लॉ हो गया। क्लियर है बेटा? ये हमने पढ़ लिया कूलम्ब्स लॉ। अब इस कूलम्ब्स लॉ में हमने जो के की बात की है, के क्या है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो के हमारे पास है बेटा एक कांस्टेंट, जिसे हम बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, वेयर के इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4πε0 इक्वल, जो कि इक्वल होती है हमेशा 9×10⁻⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारे पास जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू भी हम क्या करते हैं, डायमेंशन, ये जो हमने लिखी है यूनिट वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, जो कि आपने 11th क्लास में किया है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे एक न्यू टर्म्स हमने देखी, वो क्या है हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है बेटा, ये हमारे पास है फ्री स्पेस या वैक्यूम में परमिटिविटी। परमिटिविटी इन द सेंस कि आप टोल प्लाजा पे खड़े, टोल प्लाजा पे जाते हो तो क्या करते हो, आप एक परमिट देते हो, ठीक है, परमिशन लेते हो वहां पे। वैसे ही क्या होता है एप्सिलॉन नॉट, ये परमिट करता है, अगर मान लीजिए ये या इन दोनों के बीच में, चार्जेस के बीच में मैंने कुछ मीडियम रख दिया, तो वो परमिट करेगा कि इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा, वो इस काम कौन करेगा, एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस और वैक्यूम। क्लियर बेटा? जिसकी वैल्यू होती है 8.85×10⁻¹2, जिसकी यूनिट होगी कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। क्लियर बेटा? तो ये हमारे पास होगी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेटा किसके बारे में, हमने परमिटिविटी के बारे में पढ़ लिया, इसके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में। ठीक है, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, इतना पढ़ लिया, पढ़ने के बाद हम कुछ इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, जो इसके आगे के जो लेक्चर होगा, मतलब इसके आगे का जो लेक्चर होगा वो होगा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए, फिर उसके बाद होगा इसके न्यूमेरिकल्स के लिए। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।